बढ़ा दे तो ना तोरा आगू बढ़ा दे तो। विनोद बाबू के कोई साथी अगर हो ना तो ओकरा पूछिया। विनोद बाबू हमेशा कहा अलग कि झारखंड तो दो दिन अलग कर देबो, तो आज को हमें दो दिन में झारखंड अलग कर देबो। लेकिन एक बात बताओ, झारखंड चले तो के झारखंड तो हमें दो दिन अलग कर देबो, लेकिन एक बात बताओ झारखंड चले तो के कहे कि तोर लोकवा ना आओ। विधायक तो बन तो विधायक तो बन जी में कहे तोर लोग वोट दिए पड़तो, लेकिन कई गो तोनी पढ़ल लिखल है, कई गो तोर जज हो, कई गो तोर वकील हो, कई गो तोर कलेक्टर हो, चले तो के झारखंड आज भी ऑटे है, आज भी ऑटे चल रहा है, चले तो के झारखंड। तो विनोद बाबू एगो लाइन कहा ला पढ़ो और लड़ो, सुनो ना बा, पढ़ो और लड़ो कहा ला है। इधर पढ़े खूब पढ़ला बेटा छो भी पढ़ला और बेटी छो भी, लेकिन जखन लड़क बाड़ी है ना मुर्गा लड़े थोन। सच्चाई लगा है, बहुत नुकसान भला इगला में आज बहुत नुकसान हमनी भला है। कारण है कि हमनी कभी पढ़े में ध्यान ना दिली, हमनी लड़ने तो गलत जगह में लड़ लें। भाई भाई में एक बीता जमीन खातिर लड़ गए, गोतनी गोतनी गहना खातिर लड़ गए। तो विनोद बाबू लड़ाई ना कर रहे, विनोद बाबू कह रहा है जखन माटी रोटी बेटी जखन भाषा संस्कृति जखन अस्मिता पे संकट है तो तखन लड़ना है। आज खातिर कह रहा है विनोद बाबू कि तोरा आज लड़ना है। देश के एक बहुत बड़ा महान विभूति जयपाल सिंह मुंडा में एगो लाइन कह रहा है, जयपाल सिंह मुंडा के जाना है ना एकमात्र, ऐसे तो बहुत सारा हल्दी आदिवासी से संसद में, लेकिन एकमात्र आवाज अलग जो पूरा संसद के हिलाकर रखा है, एक लाइन कह रहा है, अध्यक्ष महोदय आप जिसे विकास कहते हैं वो आदिवासियों के लिए कब्र साबित होगा। आज भी कब्र साबित हुआ, कैसे? आपने विकास कहा डैम को, आपने विकास कहा कोलियरी को, लेकिन विस्थापन कौन हुआ? आदिवासी मूलवासी। आपने क्या कहा कि चांडिल डैम बना दिया विकास हुआ, लेकिन मेरा हजारों घर बेघर हुआ वो मेरे लिए कब्र साबित हुआ। 70 साल पहले जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आप जिसे विकास करते हैं वो हमारे लिए कब्रगाह साबित होगा। आज वही दर्द ऑटे दर्द लगो। और एक बात, हम हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि हमको किसी व्यक्ति से भेद नहीं है, वो बिहार का रहे चाहे यूपी का रहे चाहे बंगाल का, हम अपने राज्य में आपकी भाषाओं को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि राज्य मेरे लिए बना है। हमारे भी 12 लाख लोग कोरोना काल में 12 लाख लोग कोई तमिलनाडु से कोई महाराष्ट्र से वापस आया, क्या हमार भाषा वहां है? जब ना है तो झारखंड चारागाह का है, झारखंड चारागाह का है, यह सरकार को बताना होगा। आज तमाम विधायकों से इस सत्र में केवल यही बात करनी होगी कि झारखंडी कौन है पहचान कीजिए। फोकट में नहीं मिला है झारखंड, 88,000 लाखों शहादत के बाद झारखंड मिला है। लोग कहते हैं ना भाई भाई, अरे भाई 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 का मतलब है पंजाब और हरियाणा का बंटवारा, हरियाणा ने अलग राज मांगा पंजाब ने दे दिया। भाई भाई का मतलब होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा, छत्तीसगढ़ ने अलग राज मांगा मध्य प्रदेश ने दे दिया। झारखंड और बिहार भाई भाई अगर कहते हैं तो आप लोग मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं, क्योंकि हमने 88 साल लड़ा है। भाई भाई की बात नहीं कीजिएगा। एक गुलाम और मालिक की बात कीजिए। हमने 88 साल लड़ा है। भाई भाई वो नहीं होता है, एक भाई अधिकार मांगे दूसरा दे दे उसे भाई भाई कहते हैं। यहाँ भाई भाई जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी हम सबका सम्मान करते हैं, हमने सबका सम्मान किया है। कैसे से कह देबो, एगो भीख मांगे वाला के कहिए तुम भीख मांगे तो दुकान चल जो कोई व्यापारी नहीं वो डूबी देते, कथी देता है डूबी बुझा ना कटोरी, हाँ डूबी फेंक देता है, सेहो गाड़ दे के फेंक देता है। उर्मी कोकरो गांव जो वो सुपिया देता है, वो भोजता सुपिया देता है। और शुभ मने की अरे भीख मांगे वाला तो हूँ भरल रही है, तोरो कुछ ना घटता है हमरो कुछ ना घटता है, सेटा लगे सूप के माने। तो हमें तो सबके लेके चल लिए, हमें तो सबके लेके चल लिए। अब एकर माने की हमार घर से हम तो भगे थे,
मैंने झारखंड सौंप के, महाराष्ट्र लगे मराठी खातिर, गुजरात लगे गुजराती खातिर, बंगाल लगे बंगाली खातिर, बिहार लगे बिहारी खातिर, अब झारखंड सौंप के की नहीं ना। एगो गांव में कहावत है बुझवा, खासकर मैं काकी जेठी गिला कि ललवा गो सौंपके भौजी, सुनल हा कि ललवा गो भैंसुरो भौजी ससुरो भौजी, काम नहीं लगा चाहे सियान लगा।